वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से नजम सेठी ने मुलाकात की है और राबता किया है। नजम सेठी ने पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान पैदा होने वाले मसले से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को पीएसएल के मैचों के हल के लिए यकीन दहानी कराई है। इसी पर नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नासिर, क्या तय पाया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान होने वाले राबते में? जी बिल्कुल, नजम सेठी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता किया है और पंजाब हुकूमत और पीसीबी के दरमियान जो मामलात हल होने का नाम नहीं ले रहे, खासतौर पर सिक्योरिटी की मद में जो पंजाब हुकूमत ने पीसीबी से पैसे मांगे उसके हवाले से उनको आगाह किया। और नजम सेठी ने मौकफ अपनाया इस मौके पर कि पीएसएल एक कौमी इवेंट है, हम अगर पंजाब हुकूमत हमसे अब आधी रकम भी मांग रही है तो हम वो भी नहीं देना चाहते। अगर पंजाब हुकूमत हमसे यही मुतालबा करती रही तो हम जो लाहौर और रावलपिंडी के मैचेज हैं वो कराची में कर देंगे और ये हमारे लिए भी एक तकलीफ दे मरहला होगा कि हम ये स्टेप उठाएं। पीएसएल एक कौमी इवेंट है और इसकी जिम्मेदारी भी हकूमत की होती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बदले में किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेगा। और इसके अलावा नजम सेठी ने शहबाज शरीफ को उस चीज से भी आगाह किया कि जब कराची में मैचेज होते हैं तो सिंध हुकूमत हमसे सिक्योरिटी की मद में कोई पैसे नहीं लेती है। तो इसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुनने के बाद उनको यकीन दहानी करवाई है कि इस मामले को हल किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में फैसला भी आ जाएगा कि ये मैचेज कराची में मुंतकिल होते हैं या नहीं होते, लेकिन नजम सेठी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे पहले पंजाब निगरान पंजाब हुकूमत ने 45 करोड़ कहे थे कि आप सिक्योरिटी के मद में हमें दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो भी मानने से इनकार कर दिया। फिर 25 करोड़ का मुतालबा किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी नहीं मान रहा। और इसके अलावा नजम सेठी आज फ्रेंचाइज मालकान से मुलाकात भी करेंगे, उनके सामने भी ये मसले को रखेंगे। और ज़राए के मुताबिक नजम सेठी 25 करोड़ देने के भी हक में नहीं है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मसले को यकीन दहानी करवाई है कि इस मसले को हल किया जाएगा और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि ये मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में ही शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जी अच्छा मोहम्मद अली नासिर, ये बता दीजिएगा इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं ये पहले लिए जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीएसएल 8 में, पूरी दुनिया देख रही है, तो पंजाब हुकूमत और पीसीबी आमने सामने, क्या मसला आज हल होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, निगरान पंजाब हुकूमत यही कहती है कि इससे पहले हमने 50 करोड़ पे अपने पास से अदा किए हैं, जो इन्होंने सिक्योरिटी मुहैया की, जो लाइटिंग वगैरह की है, जो सफाई सुथराई के जो इंतजाम होते हैं वो सारे पंजाब हुकूमत ये मौकफ अपना रही है कि हम अपने पास से दे रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम मजीद इसमें दें। और दूसरी दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौकफ ये अपनाया कि पाकिस्तान सुपर लीग एक कौमी इवेंट है और कौमी इवेंट की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ से किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रहा कि वो पंजाब हुकूमत को कोई इस मद में सिक्योरिटी की मद। पीएसएल एक कौमी इवेंट है और कौमी इवेंट की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। मोहम्मद अली नासिर आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, आप हमें बता रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नजम सेठी के दरमियान राबिता हुआ है।